हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LIS एक्सपर्ट। आज मैं आप सब लोगों को बताऊंगी कि मैगजीन क्या क्या होती है। ठीक है, अब देखिए मैगजीन्स जो है हर एक लाइब्रेरी में होती है, डिस्प्ले पे लगी रहती है। ठीक है, लेकिन मैगजीन्स का रोल क्या होता है? देखिए मैगजीन्स जो होती हैं किसी भी लाइब्रेरी में हमें ये बताती हैं मैगजीन्स के मतलब उसमें भी एक तरीके के आर्टिकल्स ही होते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये जो है मैगजीन्स जो है भी अलग अलग टाइप की होती है। कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड मैगजीन्स भी है, या कोई ट्रेड प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड मैगजीन्स है, या फिर कोई जनरल मैगजीन्स भी होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँगी और उसका टाइप पूरा समझाऊँगी। ठीक है, जैसे मैगजीन में एक बहुत ही पॉपुलर मैगजीन आती है क्रैश होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, लेडीज़ पढ़ना पसंद करती हैं। उसके अंदर क्या होता है कि आर्टिकल दी होते हैं मैगजीन्स में, और बहुत सारी सुंदर सी अट्रैक्टिव सी कलरफुल पिक्चर्स दी होती है जिस भी टाइप का आर्टिकल होता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे अब आपको कोई वो है घरेलू नुस्खे हैं इस तरीके के कि आपको अपना वजन कैसे कम करना है, या फिर अपने हेयर स्टाइल कैसे बनानी है, या फिर अपना मेकअप किस तरीके से करना है, तो उसमें क्या है वो गृह शोभा इस तरीके की मैगजीन होती है। उसमें सारे आर्टिकल घरेलू नुस्खों वाले दिए होते हैं पढ़ने के लिए। अब तो क्या यूट्यूब आ गया, तो यूट्यूब पे ये सारी चीज़ अवेलेबल होती हैं। लेकिन क्या है, लाइब्रेरी अभी भी अपना मैनुअल जो चीज़ मेंटेन करती है उसमें भी, या फिर ये जो मैगजीन्स ऑनलाइन भी अवेलेबल होती हैं उसके अंदर मतलब आर्टिकल्स तो होती ही हैं। तो चीज़ तो वही है ना कि चाहे वो मैनुअल फॉर्म में अवेलेबल हो चाहे ऑनलाइन फॉर्म में हो, लेकिन आर्टिकल तो आर्टिकल रहेगा, आर्टिकल तो चेंज नहीं होगा ना, उसका जो है सब्जेक्ट्स है या जो टॉपिक्स हैं वो चेंज होंगे। तो इस तरीके से टॉपिक रहते हैं इसमें गृह शोभा में, घरेलू नुस्खे किस तरीके के होते हैं, क्या आप गोरख किस तरह बना सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें होती हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड, जो भी चीज़ें आर्टिकल्स होते हैं वो छप जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरीके के अलग अलग आर्टिकल फॉर्म में होती हैं। लेकिन उसमें क्या है, सबसे अच्छी बात ये होती है कि पिक्टोरियल फॉर्म दी होती है। उससे क्या है जो है उनकी एक रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है कि उस पर एक सुंदर सा पिक लगा होता है घरेलू आर्टिकल का। मैं इसमें जो है आगे जब ये वीडियो स्टार्ट होगी, पहले जब आप इसको प्ले करेंगे तो इसमें फ्रंट पे मैं डाल दूँगी उस टाइप की वीडियो, वो सॉरी मैगजीन पूरी जो पिक्टोरियल फॉर्म में आपको पूरा बताएगी। और नेक्स्ट मैं आपको ये भी बताती हूँ कि आर्टिकल किस किस तरीके के होते हैं। आर्टिकल में क्या होता है कि जैसे कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड आर्टिकल है तो उसके जो है आपको 500 वर्ड से लेके और या 1000 वर्ड में एक पूरा आर्टिकल होता है जिसमें आपको पूरा उस रिलेशनशिप से रिलेटेड जो है जो भी चीज़ें हैं बताई जाती हैं। ठीक है, रिटर्न फॉर्म में आर्टिकल होता है। और जैसे या फिर कोई आप ऐसा वो देख रहे हैं क्या कहते हैं ऐसा जैसे घरेलू नुस्खों के लिए कुछ देख रहे हैं तो उस पर भी आपको एक आर्टिकल होगा जो 1000 वर्ड्स का होता है, मतलब पूरा एक पेज पे वो दिया होता है, उसकी पिक्चर्स लगी होती है, बताया होता है। जैसे उन्होंने ये बताया कि कोई टी है बना के जिससे आप अपना वेट लूज कर सकते हैं, तो उसमें लेमन दिया होगा पिक्चर टाइप से में, और क्या कहते हैं वो होगा हनी, और बहुत सारी चीज़ें उसमें करके बताई होगी। जैसे यूट्यूब पे बताती हैं वो पूरा प्रैक्टिकली होता है, उसमें पिक्चर दी होती है और पूरा उस पर आर्टिकल लिखा होता है, बस इतना ही चीज़ होती है। क्योंकि वो मैनुअल फॉर्म में है इस तरीके से, जैसे न्यूज़पेपर होते हैं ऐसे ही मैगजीन्स भी हैं, तो इस तरह, लेकिन वो रिटर्न फॉर्म में होता है, लेकिन वो अवेलेबल दोनों में ही है, मैनुअल में भी है और ऑनलाइन फॉर्म में भी है। तो ये ग्रह शोभा एक बहुत ही फेमस मैगजीन्स है, और बहुत सारी जो है जो हाउसवाइफ्स हैं वो रखती हैं। और अभी भी जो है जो लेडीज़ ये सारी जो टिप्स वगैरह देती हैं यूट्यूब पे, वो भी बहुत सारी ऐसी टिप्स होती हैं जो ये मैगजीन्स रीड करके ही एक्वायर करती हैं, उसको प्रैक्टिकली करती हैं और फिर उससे रिलेटेड यूट्यूब पे अपना वीडियोस डाल देती हैं। तो मैगजीन्स क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्सेज है किसी भी इंफॉर्मेशन का। तो मतलब कि पहले कोई भी इंफॉर्मेशन जो है थ्योरी होती है
देन उसके बाद वो प्रैक्टिकल बनती है ना, तो मैगजीन्स में जो आर्टिकल दिए होते हैं वो ऑलरेडी जो है प्रूव्ड होते हैं, किसी चीज थ्योरी को है जो प्रूव किया जाता है फिर उसको लिखा जाता है, तो वो थ्योरी क्या है हर जगह एप्लीकेबल होती है। तो इस तरह से वो क्या है, ये लोग उस चीज़ को सारा रीड करते हैं ग्रह शोभा वाली मैगजीन से और फिर उस पर अपने वीडियोस बना के उसको अपना ट्राई करती हैं और उस पर वीडियोस बना के यूट्यूब पर पोस्ट कर देती हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन वो वही होती है जो उन मैगजीन्स पर दी होती है, घरेलू नुस्खे इस तरीके के होते हैं, आर्टिकल में बताया होता है पूरा उसका प्रोसेस कि आप इस तरह से करेंगी फिर करके, तो उसमें वो 1000 वर्ड में पूरा कवर्ड होता है, पूरा एक जो है डिज़ाइन फॉर्म का वो आर्टिकल होता है सुंदर सा, उस पर जो है पिक लगी होती है अट्रैक्टिव टाइप। इस तरह से बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं बाउंड वो फॉर्म में, वो मैगजीन होती है इतनी पतली सी होती है, उसमें जो है 40 पेज या 50 पेज होते हैं मैगजीन्स में, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है वो वैसे नहीं होती कि बहुत ज़्यादा जो है मोटी हो, बहुत ही थिक होती है, पतली सी होती है और उसकी जो है लेंथ ज़्यादा होती है, इतनी बड़ी होती है पतली सी होती है। मैं स्टार्टिंग में पिक डाल दूँगी ताकि आपको पता लग जाए मैगजीन किस तरीके के, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे दूँ कि इस तरीके की मैगजीन्स होती है। तो मैगजीन्स भी बहुत ही इम्पोर्टेंट जर्नल है किसी भी लाइब्रेरी में, और ये हर एक लाइब्रेरी में आपको मिलेगा, मैगजीन्स जो है हर एक लाइब्रेरी में होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है किसी की भी लाइब्रेरी का, बहुत इम्पोर्टेंट जर्नल है। तो ये क्या डिस्प्ले पे भी लगा रहता है, जो डिस्प्लेज होते हैं डिस्प्ले हर एक लाइब्रेरी में होते हैं, जर्नल का डिस्प्ले होता है तो मैगजीन्स का भी होता है, तो वो भी लगा होता है वहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फेमस मैगजीन्स लगी होती है। ठीक है, तो आज फ्रेंड्स मैंने आपको 3 टाइप के जर्नल एक्सप्लेन किए हैं, और इससे पहले भी 2 वीडियोस दी हैं और ये मेरी लास्ट वीडियोस हैं, और जो 3 कैटेगरी मैंने आपको पहले बताई थी लाइब्रेरी जर्नल की, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स और जर्नल्स, तो ये 3 कैटेगरी जर्नल्स की जो हैं आज मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दी है। इनसे रिलेटेड जो भी पिक्चर्स हैं या जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपको फ्रंट में पिक्टोरियल फॉर्म में पेस्ट कर दूँगी, तो आप उससे क्या है आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि किस किस तरीके के होते हैं और इनके टाइप्स क्या क्या होते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि अगर मैं ऐसे बता भी दूंगी तो आपको रिमेम्बरेंस में वो नहीं रहेगा, जो अगर पिक लगेगी पिक से आप देखेंगे तो वो आप वीडियो के स्टार्टिंग में जब भी उसको स्टार्ट करेंगे तो आपके पहले ही फ्रंट में वो आएगा और आप उसको ईजीली जो है रिमेम्बर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स तो आपको पता चल गया आज मैगजीन्स क्या क्या होती हैं, मैगजीन्स जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जर्नल है जिसमें क्या होते हैं आर्टिकल्स होते हैं, और आर्टिकल किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है होते हैं। ठीक है, जो भी उस मैगजीन्स का टॉपिक होगा या जिस भी कैटेगरी में वो मैगजीन आएगी उससे रिलेटेड टॉपिक्स होंगे और उसी से टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल्स उसके अंदर होंगे, बाउंड बुक में वो फॉर्म में वो आपको पूरी मैगजीन्स अवेलेबल होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे को अपने कमेंट्स भेजिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, और ज़्यादा पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।